जी बेटा, आज हमने पढ़ना है लेंजेज लॉ। कल हमने, इससे पहले लेक्चर में हमने फैराडेज लॉ पढ़ा था, उससे पहले हमने मोशनल ईएमएफ किया था। अगर आप मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला देखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो वो हमारे पास था माइनस वी बी डी साइन ऑफ थीटा। अब इसमें डी था लेंथ ऑफ रॉड, जिस रॉड को हम मूव करते हैं। इसी तरह फैराडेज लॉ में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने फाइंड की थी माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये दोनों जो हैं ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले हैं, और इन दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है। इस नेगेटिव साइन के बारे में ना तो हमें मोशनल ईएमएफ वाले टॉपिक में कुछ बताया जाता है, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बताया था, ना फैराडेज लॉ में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किया लेंजेज लॉ ने, एक्सप्लेन्ड बाय तो ये एंटी क्लॉकवाइज है जी। लेंजेज लॉ। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो है वो तो एक स्पेशल केस हो जाता है, हम जनरल बातें करेंगे इसमें। वो जब हम कोई डायग्राम बनाएंगे तो फिर देखेंगे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा जी, लेंजेज लॉ जो है ये बेसिकली हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आप यहां ये भी कह सकते हैं इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये भी कह सकते हैं इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूंगा तो वो बेसिकली पोलैरिटी होगी कि पॉजिटिव किस तरफ होगा, नेगेटिव किस तरफ होगा। और अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की बात करूंगा तो उससे मेरा मतलब एग्जैक्ट डायरेक्शन ही होगा। तो लेंजेज लॉ कहता है जी, इंड्यूस्ड करंट हमेशा ऐसी डायरेक्शन में पैदा होता है ताकि वो अपने पैदा करने वाले कॉज को अपोज करे। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज इन सच डायरेक्शन टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। यानी हम कहते हैं जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है और करंट के फ्लो करने का अगर रास्ता है तो फिर इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करता है। अब लेंजेज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो अपने ही पैदा करने वाले कॉज को अपोज करें। अब इसको हम काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स की मदद से समझ सकते हैं। यहाँ ये एग्जाम्पल जो सामने प्रिंटेड है, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग इसकी ख़राब है, तो मैं आपको एक इसी तरह की एग्जाम्पल खुद से बना देता हूँ, जो आपने, अगर आपको याद हो तो आपने ये एग्जाम्पल जो है ये एफएससी में भी पढ़ी हुई है। फर्ज कर लें, ये हमारे पास एक कॉयल है। कॉयल समझते हैं, मतलब एक वायर है जिसको लूप की शक्ल में हमने रख दी है, और उसके साथ हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगाई, सिर्फ एक गलवानोमीटर लगा हुआ है। और ये गलवानोमीटर बेसिकली क्यों लगा है? हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट को डिटेक्ट करने के लिए गलवानोमीटर यूज़ कर रहे हैं। इसके पास फर्ज करें एक बार मैग्नेट है इस तरह से, यानी फर्ज कर लें नॉर्थ पोल इस मैग्नेट का कॉयल की तरफ है और साउथ पोल दूसरी साइड पर है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाऊंगा तो वो जाहिर बात है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्थ टू साउथ। ठीक हो गया। और अगर मैग्नेट के अंदर से देखा जाए तो इनकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। अब आप देखें, अगर मैं इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को, इसका नॉर्थ पोल कॉयल वाली साइड पर है, अगर मैं इसको टूवर्ड्स मूव करता हूँ, अगर मैं इसको टूवर्ड्स मूव करता हूँ, तो बताना हमने ये है कि कॉयल के अंदर इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इंड्यूस्ड करंट पैदा भी होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है या नहीं आ रहा।
और इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली भी हो रही है या नहीं हो रही। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका बेसिक फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेक्टर एरिया। अब आप गौर करें, जब हम इस कॉयल को, सॉरी कॉयल कह रहा हूँ, जब हम इस मैग्नेट को कॉयल की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेट कॉयल के करीब जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो कॉयल के अंदर से पास कर रही है वो स्ट्रांग हो रही है, यानी उसकी वैल्यू बढ़ रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो जाहिर बात है फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि जब नॉर्थ पोल को, यानी जब बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाया जा रहा होगा, तो उस दौरान फ्लक्स में इजाफा हो रहा होगा। अब फ्लक्स में इजाफा जो है ये बेसिकली तब्दीली ही है, और हमने ये पढ़ा है कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। इसका मतलब है ये बात तो तय हो गई कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। अब लेंज़ लॉ ये कहता है कि उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा वो ऐसी डायरेक्शन में पैदा होगा कि वो अपने ही पैदा करने वाले कॉज को अपोज करें। अब मुझे ये बताएं, आप में से कौन बताएगा कि कॉज क्या है? जी बच्चों वही पूछ रहा हूँ ना, कॉज क्या है? हमने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले, हमने क्या किया है? हमने बेसिकली नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स मूव किया है, यानी ये कॉज है। कॉज क्या है? नॉर्थ पोल इज मूविंग जी टुवर्ड्स द बिल्कुल कॉयल। अब इसकी ऑपोजिशन तभी मुमकिन है कि कॉयल के अंदर इंड्यूस्ड करंट ऐसी डायरेक्शन में पैदा हो कि इंड्यूस्ड करंट आने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी कॉयल के इर्द गिर्द वो इस नॉर्थ पोल को अपोज करें। अब हम जानते हैं कि लाइक पोल रिपेल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्थ पोल कॉयल की तरफ जाएगा तो कॉयल की इस साइड पे नॉर्थ पोल यानी लाइक पोल और दूसरी साइड पर साउथ पोल अपीयर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हो जाएगी इस तरह से कि मैग्नेट के नॉर्थ वाली साइड पर कॉयल का नॉर्थ पोल और मैग्नेट और कॉयल की दूसरी साइड पर साउथ पोल अपीयर हो जाएगा। अब देखें, हम जानते हैं कि जब किसी भी कॉयल के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो एक बार मैग्नेट का काम करना शुरू कर देती है, तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन वहाँ पर हम क्या करते थे, हम पहले ये कहते थे करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। जारी बात है होता भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ चूंकि हम लेंज़ लॉ को कंसिडर कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया लगा लिया है कि वो किस डायरेक्शन में पैदा होगी, और अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि करंट पहले आता है, मैग्नेटिक फील्ड बाद में पैदा होती है, लेकिन जाहिर बात है यहाँ हमने करंट की डायरेक्शन बतानी है, तो करंट की डायरेक्शन बताने के लिए हम पहले ये देख रहे हैं कि करंट आने का रिजल्ट क्या होगा। तो ये हमें लेंज़ लॉ ने बताया कि करंट इंड्यूस्ड करंट आने का रिजल्ट क्या है, कि वो अपने पैदा करने वाले कॉज को अपोज करेगा। अब कॉज क्या है कि नॉर्थ पोल टूवर्ड्स मूव कर रहा है, तो इसलिए हमने बोला कि कॉयल की ये वाली साइड जो है वो भी लाइक पोल बन जाएगी, और लाइक पोल बनने से मुराद क्या है, नॉर्थ पोल बन जाएगी। ठीक है, तो आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई है? जी बच्चों, अब हम यूज करेंगे राइट हैंड ग्रिप रूल, और राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएंगे। आप अपने अपने राइट हैंड के थंब को अगर लेफ्ट साइड पे कर लें, यानी थंब की टिप जो है वो नॉर्थ वाली साइड पे कर लें, तो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं जिन्होंने इस कॉयल को कर्ल या ग्रिप किया हुआ है, वो हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएंगी। और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? इस तरफ, यानी स्क्रीन से बाहर वाली साइड से ऊपर और स्क्रीन की दूसरी साइड से नीचे। जी बच्चों, आपको इस बात की समझ आ गई है?
सारे लोग जिंदा है ना जी, सबको समझ आ गई है। ओके, इसका मतलब ये हुआ, कि गलवानोमीटर से करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा इस वक्त। यानी मैं कह सकता हूं कि इस वक्त गलवानोमीटर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेम यही रिजल्ट होगा, मेरी बात गौर से सुने, सेम यही रिजल्ट होगा अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी कर दें और कॉयल को मैग्नेट की तरफ मूव कर लें। फिर भी ऐसा ही हो रहा है, नॉर्थ पोल टूवर्ड्स जा रहा है, तो फिर कॉयल का ये वाला जो साइड है ये नॉर्थ पोल ही बिहेव करेगा और ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड करंट की यही डायरेक्शन होगी जो मैंने पहले बना दी है। जी, सबको क्लियर है? जी सर, अब बेटा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम नॉर्थ पोल को अवे मूव करेंगे। यानी अगर मैं अब जो अवे वाला केस है ना, वो मैं ग्रीन कलर के मार्कर से कर रहा हूं। अवे, अगर मैं नॉर्थ पोल को अवे मूव करूंगा, तो फिर क्या होगा? अब कॉज क्या है? कॉज ये है कि नॉर्थ पोल अवे जा रहा है, तो कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट ऐसी डायरेक्शन में पैदा होगा कि वो इस अवे जाते हुए नॉर्थ पोल को रोकने की कोशिश करे। अब नॉर्थ पोल जो अवे जा रहा है, उसको रोकने का क्या मतलब है? कि आप यहां पर ऐसा पोल पैदा कर दें कि वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, और वो पोल कौन सा होगा? साउथ पोल। इसका मतलब ये है, अब इस तरफ साउथ पोल और दूसरी साइड पर नॉर्थ पोल पैदा होगा। अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड ग्रिप रूल को हम किस तरह यूज करेंगे? अपने राइट हैंड के थंब को आप कॉइल के राइट साइड पे कर लेंगे, यानी नॉर्थ वाली साइड पे। जब आप इसको नॉर्थ वाली साइड पे कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फिंगर्स हैं उनकी मदद से इंड्यूस्ड करंट की कुछ ऐसी डायरेक्शन आएगी। यानी स्क्रीन के बाहर से इंड्यूस करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है और स्क्रीन के अंदर वाली साइड से करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, और गलवानोमीटर के अंदर से इंड्यूस्ड करंट की ये डायरेक्शन होगी जो मैंने अभी अभी ग्रीन कलर से शो की है। यानी नाउ थ्रू द गलवानोमीटर करंट फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। जी बच्चों, आपको समझ आ गई इस चीज की? और बेटा, सेम यही रिजल्ट होगा अगर हम स्टेशनरी कर दें मैग्नेट को और कॉयल को अवे मूव करवा दें। जब कॉयल अवे जा रही होगी, तो दोबारा वही सिचुएशन है, दैट नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे, तो फिर कॉयल की इस साइड पर नॉर्थ सॉरी साउथ पोल बनेगा, और जो अपोजिट साइड है उस पर नॉर्थ पोल बनेगा, और इंड्यूस करंट की सेम यही डायरेक्शन होगी। जी, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब हम आगे चलते हैं। यहां पर आप देखें, सेम वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी अभी आपको बताई है, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ, सेम वही सारी स्टोरी है जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। ठीक है, इस स्क्रीन पे मैं एक दफा दिखा भी रहा हूं, अगर आपके पास बुक ना हो तो आप इसको देख सकें। एग्जैक्टली सेम वही सारा कुछ है। अब बच्चों आ जाएं लेंज़ लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। असल में ये जो लेंज़ लॉ है, ये एग्जैक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम लेंज़ लॉ को ठीक कंसीडर करें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंप्लीटली ओबे होता है, और अगर हम लेंज़ लॉ को गलत कंसीडर करें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होना बंद कर देता है। इसका मतलब है, हम कह सकते हैं कि लेंज़ लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, ये एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब इसके लिए, अगर आपको पुराना टॉपिक याद है मोशनल ईएमएफ वाला, तो आपको याद होगा उसमें हमने सेम ऐसी ही डायग्राम बनाई थी जो यहाँ पर आपको
मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। इसमें दो रेलिंग्स थी, एक रॉड था जो मूवेबल था, और इस रॉड पर राइट वर्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हमने इसको मूव किया था, और जो चार्जेस हैं रॉड के अंदर, जो चार्जेस हैं वो बॉटम से टॉप की तरफ, बॉटम से टॉप की तरफ यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। यानी मैं कह सकता हूँ इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो थी अपवर्ड। अब अगर मैं इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से, अब आप ये भी जानते हैं, आपने मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर 8 में पढ़ा था कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग रॉड या कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आप गौर करें, जब इंड्यूस्ड करंट आ गया, रॉड के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये करंट कैरिंग रॉड बन गया, और करंट कैरिंग रॉड के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाती है, जिसका फॉर्मूला हमने कुछ इस शक्ल में पढ़ा था, आई एल क्रॉस बी। अब अगर आप राइट हैंड कर्ल रूल को यूज करके इस फोर्स की डायरेक्शन निकालें, अगर आप गौर करें एल की कौन सी डायरेक्शन है, एल की वही डायरेक्शन है जो करंट की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम बॉटम टू टॉप यानी टॉप ऑफ द पेज की तरफ अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है इन टू द पेपर। तो आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एल की डायरेक्शन में करना है और उसको रोटेट करना है बी की तरफ यानी इन टू द पेपर की तरफ, और थंब जो है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट वर्ड आएगा, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लेफ्ट वर्ड लगना शुरू हो गई है। अब आप गौर करें, ये तो बड़ा ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला केस बन गया है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करना चाहते हैं हमें वैसे वैसे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इस बैकवर्ड अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए। अगर आप गौर करें, दिस एक्सटर्नल फोर्स इज द कॉज एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज एक्चुअली द अपोजिशन। यही लेंज़ लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड करंट की ऐसी डायरेक्शन होगी कि वो अपने पैदा करने वाले कॉज को अपोज करेगा। यानी इंड्यूस्ड करंट आने के बाद एक अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम बड़ी आसानी से यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं कि जाहिर बात है इस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें मुसलसल एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी मुसलसल एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से कोई वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी एक्चुअली हो क्या रहा है, मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टोरी तो सारी यही है। अब मैं थोड़ा सा आपको जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हमने मोशनल ईएमएफ में भी पढ़ा था, फैराडेज लॉ में भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन टू द पेपर है, उसका मतलब है नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ है। मोशनल ईएमएफ जो है वो हमारे पास VBD के इक्वल आया था। यहाँ से अगर हम रिजल्टेंट करंट की बात करें तो वो हमारे पास आया था VBD डिवाइडेड बाय R, और अगर आपको याद है सेम वही सारी डेरिवेशन है पिछले लेक्चर में जो हमने की थी, सॉरी मोशनल ईएमएफ वाले लेक्चर में, पिछले से पिछले लेक्चर में, उसमें हमने जो रॉड के ऊपर फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू निकाली थी ये, और यहाँ से हमने मैकेनिकल पावर निकाली थी, देख रहे हैं ये मैकेनिकल पावर, और फिर हमने नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर निकाली थी। मैं इसको रिपीट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने ही उस लेक्चर में देख लिया। अब आप गौर करें, जो मैकेनिकल पावर है ये वो वाली पावर है जो हम लगा रहे हैं, जो हम लगा रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल पावर वो है जो हमें मिल रही है। यानी आप कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, या आप ये भी कह सकते हैं मैकेनिकल इनपुट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इनपुट, और यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यानी हम कह सकते हैं कि लेंज़ लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरा पूरा फॉलो कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर।
इसका मतलब है यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, एनर्जी जो है वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट हो रही है, लेकिन एनर्जी की वैल्यू में कोई कमी या इजाफा नहीं हुआ, यानी ना एनर्जी पैदा की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। ओके जी, अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।